इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का अब कितना भी तबसरा करे कम है, पर इतना जरूर है कि इंतजामिया पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। बेलगाम में भी कोरोना मरीजों के बढ़ने की बात कही जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में बेलगाम में मरीजों की तादाद 1000 से भी ज्यादा हो सकती है। लिहाजा मुख्तलिफ अस्पतालों में वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में स्वैब टेस्टिंग वैक्सीनेशन के लिए भीड़ होती दिखाई दे रही है। पहले आवाम में शायद शकुशुबात थे जो वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे, पर मीडिया के जरिए बढ़ते पॉजिटिव मामले, मौतों के आंकड़े, जलती चिताएं, लाशें शायद वैक्सीनेशन की तरफ ले जा रही है। पर यहां पर भी हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। वजीर आजम मोदी से लेकर येडियुरप्पा और फिर वजीर सेहत के सुधाकर या फिर जिला सतह पर तमाम अफसरान महज मीटिंगों को ही अंजाम देते रहते हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है। वड़ाव सेहत दफ्तर में वैक्सीनेशन के लंबी कतारें हैं और वैक्सीनेशन की कमी से अक्सर लोगों की वापसी इस बात की दलील है कि दवाई और कड़ाई की महज रिंगटोन ही बसती रहती है। हकीकत में वैक्सीनेशन की भी कमी है और दवाइयां भी सही वक्त पर नहीं मिल रही। निजी अस्पतालों में रुपए देकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, पर आवाम की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि दुनिया भर में मुफ्त वैक्सीन है तो भारत में ही क्यों रुपए लिए जा रहे हैं। वैसे भी भाजपा चुनाव में जीत के बाद मुफ्त वैक्सीन की बात का वादा बार बार करती रहती है। कर्नाटक में तो वैसे भी भाजपा की ही हुकूमत है, फिर रुपये क्यों दिए जाए। बेलगाम में भी कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बेलगाम कॉर्पोरेशन की जानिब से कोविड केयर सेंटर शुरू करने की कोशिश जारी है, जिनमें कोरोना के कोई भी असरात नजर नहीं आने पर भी कोरोना से मुतासिर रहने वाले लोगों के लिए तकरीबन 250 से भी ज्यादा बेड का इंतजाम किया जा रहा है। वैसे बेलगाम में 6 कोविड सेंटर्स का कायम पहले ही अमल में आ चुका है। खड़े बाजार, मारुति गली, समादेवी गली, किर्लोस्कर रोड, पोस्ट ऑफिस के रास्ते को बंद कर दिया गया। रियासत कर्नाटक में अब मामले 40,000 के करीब पहुंच रहे। बेंगलोर की हालत तो बेकाबू होते जा रही है। यूपी बिहार की तरफ बेंगलोर में भी लाशों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर भी शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए कतार लगाई जा रही है। अक्सर लोगों पर घर में ही इलाज करने की ताकीद दी जा रही है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। बेंगलोर की भी हालत काफी खराब होने की इत्तला हासिल हुई। 3,000 कोरोना मरीज गायब होने की भी खबर हासिल हुई। वजीर रियासत आर अशोक ने साथियों से बात करते हुए कहा कि बेंगलोर में काफी कोरोना मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। 3,000 से भी ज्यादा कोरोना मुतासिर बेंगलोर से गायब होने की बात सामने आई है। यह बात काफी संजीदा है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। बेलगाम में भी कई मरीज घरों में इलाज की बजाय बाहर घूमने की खबर हासिल हो रही है। बेलगाम शहर में 4 घंटों की छूट में बाजारों में किसी तरह की गाइडलाइन पर अमल नहीं किया जा रहा। मार्केट, कोतवाल गली, सब्जी मंडी, फ्रूट मार्केट में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। आवाम किसी तरह जो भी मिले खरीद कर ले जाने की कोशिश करते आवाम को देखा जा रहा है। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन भी दुकानें, कारोबार बंद रखा गया था। कोरोना गाइडलाइन पर अमल न करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा था। भारत में सब कुछ अचानक होता है, फिर वो नोटबंदी हो या लॉकडाउन, लिहाजा पहले से जिन्होंने शादी की तारीख पक्की की थी उनके लिए इम्तिहान का वक्त आन पड़ा है। पहले तो शादियों में अगर कोई गलती से भी रह जाता है तो उसे मनाने के लिए कई बहाने बताने पड़ते थे, पर अब महज 25 या 50 लोगों की शादी की वजह से जो लोग धूमधाम से करने का ख्वाब देख रहे थे, इनको मायूसी हाथ लगी। अब महज रिश्तेदारों की ही फहरिस्त निकाली जाए तो 100 से 200 केस से कम नहीं होते, पर अब हुकूमत की सख्तियों पर अमल करना मजबूरी है। अब कुछ लोगों में मुहूर्त भी देखे जाते हैं और बैंड बाजा भी बजाना एक रस्म होती है, पर इसे मुकम्मल क्लोज डाउन में मुहूर्त पर ही शादी के लिए दौड़ धूप की जा रही है, क्योंकि आगे लॉकडाउन खुलेगा या नहीं इसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लिहाजा तकरीबन 700 के करीब शादियों को हुकूमत की जानिब से इजाजत दे दी गई है। अब थोड़ा गरीबों के दिए जाने वाले राशन पर भी तबसरा जरूरी है। आवाम सवाल तो पूछेगी और लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि सत्ता से सवाल पूछा जाए। आवाम को राशन में चावल तकसीम की बात को लेकर वजीर रियासत कैसे जुबान इस्तेमाल करते हैं इसे देखा जा सकता है। वजीर रमेश कत्ती को एक किसान ने फोन कॉल के जरिए अपनी फरियाद करते हुए कहा कि रियासत हुकूमत ने 2 किलो चावल देने का फैसला लिया है, आप बताएं कि क्या 2 किलो से इंसान का पेट भर जाएगा। वैसे भी तमाम काम बंद है, 2 किलो चावल से तो इंसान ही मर जाएगा। इस पर रमेश कत्ती ने कहा कि आप लोगों का मर जाना ही बेहतर है। इस बात के बाद काफी हंगामा और साफियों की जानिब से सवाल पूछे गए। इस सवाल पर रमेश कत्ती के खिलाफ
عوام میں کافی غصہ دیکھا جا رہا ہے. اگر کسی ریاست کا وزیر ہی مر جانے کا مشورہ دے رہا ہے, یعنی کیا واقعی جان سے مارنے کی کوئی سازش حکومت کی جانب سے ہے؟ ایسے سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں. بہرحال کورونا وبا کے آج کل صبح شام موضوع زیر بحث ہے, لہٰذا ہر معاملے کو کورونا سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑھتی کورونا معاملے آخر کب رکیں گے؟ کب ایک بار پھر کھلی ہوا میں اطمینان کی سانس لی جائے گی؟ چہرے سے کب ماسک ہٹائے جائیں گے؟ ٹی وی میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے 24 گھنٹے کورونا کا ہی ذکر دیکھا جا رہا ہے, اور شاید اسی سے ہر طرف سبھی کو مریض ہی نظر آ رہے ہیں. اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کریں. زندگی موت بیماری شفا کے فیصلے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. اکثر کوشش یہ کریں کہ گھر میں علاج کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈر کی وجہ سے اکثر لوگوں کی موت ہو رہی ہے, لہذا موت کا مالک تو پروردگار ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں, کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہ تو زندگی ملتی ہے اور نہ ہی موت ملتی ہے. اپنا خیال رکھیں اور صحت مند رہے. پہلے ذہن بیمار ہوتا ہے, پھر جسم بیمار ہوتا ہے. ذہن کو مضبوط بنائیں. ویسے بھی انسان کو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بھی بچ سکتا ہے, موت سے نہیں. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ انسان زندہ رہنے کے لیے تڑپ رہا ہے. حالانکہ ہم سب کو سکھایا گیا تھا کہ زندگی موت کا مالک تو اوپر ہے. مومن کی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. ویسے تو ویکسین لینے کے بعد بھی مرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں لامحدود زندگی کی کوشش کرتے رہے. اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.